राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सबकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होगी। और माता रानी से दुआ करती हूँ कि सब अच्छे हों, अच्छे ही हों। तो फ्रेंड्स, ये मेरा हो चुका है मॉर्निंग रूटीन, स्टार्ट हो चुका है। और बस बच्चों के लिए मैं फटाफट बना रही थी, स्कूल का टिफ़िन रेडी कर रही थी। डेली उनको पराठे नहीं दे सकते, डेली एक चीज़ नहीं दे सकते, बच्चे बोर हो जाते हैं। तो आज मेरी बेटू की फेवरेट बन रही है भिंडी। भिंडी उसको बहुत पसंद है, और स्पेशली मैं भिंडी उसी के लिए ही बनाती हूँ, क्योंकि घर में और मतलब या तो वो खाएंगे या कन्नू के पापा खाएंगे, तो मैं भिंडी से बचती हूँ। मैं भी तो इतना खास नहीं लगती, पर ये कि खा लेते हैं हम लेडीज़, तो सभी खा लेते हैं। देखिए कुछ ही बन जाए, क्योंकि हम बनाते हैं तो हमें पता होता है वैल्यू किसी भी चीज़ की। तो कहते हैं ना, भगवान कुछ ऐसी आदत डाल देता है लेडी के अंदर, तो कि मतलब वो बेचारी तो करेगी भी, तो जो करेगी बनाएगी खाएगी भी ज़रूर, पेट भर लेती है अपना। तो अब बच्चों के लिए तो करना पड़ता है ना, थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो आज मैंने दी है उसे भिंडी और सिंपल रोटी बना के दिए, पराठे वो मना करती है। दोनों के मैंने टिफ़िन पैक कर दिए थे, और बड़े बेटी नहीं खा के आती मेरी खाना इतना, वो तो छोड़ के आ जाती है। पर यह है कि जिसको पसंद है वो तो खा ही लेता है। और बच्चों के जाने के बाद ना, फिर मैंने फटाफट फटाफट क्लीनिंग की, क्योंकि आज ना मेरी झाड़ू वगैरह तो हो गई थी, लेकिन पोछा वगैरह नहीं हुआ था, क्योंकि मैं थोड़ा सा तबीयत की वजह से, मैंने बताया था लेट उठी थी, तो थोड़ा सा काम भी मैंने धीरे धीरे ही किया। जितना शरीर काम साथ देगा उतना ही स्पीड से करना पड़ेगा काम, तो ना तो मैं फटाफट बच्चों के जाने के बाद मैंने क्लीनिंग वगैरह कर दी थी सारी। और उसके बाद फिर उनका लंच तो हो ही गया था, तो थोड़ा सा मैंने हस्बैंड को भी दे दिया था लंच में बना करके कुछ। और मैंने अभी कुछ नहीं लिया था, क्योंकि थोड़ा सा बस ऐसी चाय वगैरह ले लेती हूँ हल्का सा सुबह को, क्योंकि बिना चाय के मुझसे नहीं उठा जाता, और बीमार हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ नहा धो करके, और मेरी हो चुकी है पूजा, और भगवान जी की जोत वगैरह मैंने सब कर दी है। और उसके बाद ना, क्योंकि मैंने बताया ना मॉर्निंग में नहीं हुई हूँ मैं, जल्दी उठनी उठी चार पाँच दिन तो हम देखो होते ही हैं हम लेडीज़ के लिए। और यहाँ मैं अपना फटाफट फटाफट एक्सरसाइज कर रही थी, और एक्सरसाइज में मैं इतनी हार्ड एक्सरसाइज नहीं करती, जंपिंग वगैरह नहीं करती, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब मेरा वेट इसी इन्हीं एक्सरसाइज से कम हो रहा है, तो जो डिस्क वाली, जिनको डिस्क की प्रॉब्लम है, वो लेडीज़ मतलब ज़रूरी है कि वो जंपिंग करें या अपना बैंड हो करके एक्सरसाइज करें, क्योंकि जो मुड़ के हम एक्सरसाइज करते हैं वो हमें अलाउ नहीं होती है बिल्कुल भी। तो जिनको डिस्क की प्रॉब्लम है या थोड़ी सी भी दिक्कत है कमर वगैरह में, वो झुक करके एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें, क्योंकि धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। और मेरे साथ तो सच बताऊँ, अगर मैं कपालभाति और अनुलोम विलोम कर लूँ ना, तो मैं अपना आप ही स्लिम हो जाती हूँ, और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी चीज़ की। और 30 मिनट तो मैं ज़रूर करती ही करती हूँ, क्योंकि 30 मिनट मेरे इसके हैं, और प्लस 30 मिनट मेरे जो मेरी एक्सरसाइज करती हूँ उसके हैं। और साइड में मेरी रखी है बेल्ट, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि डिस्क की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा देखना पड़ता है। और वैसे ना डिस्क की बात नहीं है, अगर कोई भी लेडी एक्सरसाइज कर रही हो ना, अगर हम लोग कोई भी लेट करके कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो अगर हम अपने हड्डियों में थोड़ी सी गर्माहट ले आए ना पहले ये बेल्ट लगा करके या गर्मी दे करके, तो उससे ना क्या होता है कि दर्द नहीं होता है, दर्द नहीं बनता एकदम कोई भी एक्सरसाइज करने से। तो मैं तो सभी से कहूँगी कि सबसे पहले सिकाई करने के बाद ही अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करें, उससे ना एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, लचीलापन सा आ जाता है हड्डियों में, और वो दुखन नहीं करती बिल्कुल भी, मतलब शरीर दुखता नहीं है एक्सरसाइज करते हुए, हाथ पैर मोड़ते हुए। तो बस मैं यही एक्सरसाइज करती हूँ, और इन्हीं से ही मेरा वेट लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा। आपको खुद ये चीज़ महसूस हो रही होगी, मैं आपको क्या बताऊँ बार बार। तो जब आप देखोगे, और एक दिन मैं अपना दिखाऊँगी, उसके बाद देखना आप। और आज मैंने कुछ वैसे खास नहीं लिया, तो बस मैं ये चुकंदर ले रही हूँ और यही खा लेती हूँ, मुझे पसंद है ये चीज़ें। खीरा, लेकिन खीरा भी ख़त्म हो गया था, तो मार्केट से मंगाऊंगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि देखिए, कोई भी चीज़ हो ना, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग मतलब बहुत हाई लेवल पे खाना दिखाएं खा करके, ऐसा कुछ नहीं है। और बस हेल्दी होना चाहिए खाना, हेल्दी मतलब हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी ना हो, ना प्रोटीन की हो, ना कार्बोहाइड्रेट की हो, ना वसा की हो, ना प्रोटीन, ना ही किसी चीज़, ना ही हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो, विटामिन की कमी हो। अगर हम ये चीज़ें भरपूर है, तो हम जितना भी खा रहे हैं ना, तो समझो हेल्दी ही है हम लोगों के लिए। ये जरूरी नहीं कि हम बहुत चीज़ें खाएँ। यदि मैं अपना अपना डाइट चार्ट दिखाऊँ मैं आपको, या इस चीज़ के लिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो आप देख लीजिएगा, मेरी जो जर्नी है वो मेरी ऐसे ही चलती है, और मैं इससे ज़्यादा अपना वेट कम करने की कोशिश भी नहीं करती हूँ। मेरा जितना चलता है उतना ही हिसाब से चलता है। तो धीरे धीरे बस मैं यही करती रहूँगी, और आप लोगों को दिखाऊँगी ज़रूर। और मैं इसको बहुत बार चाप के ही दिखाती हूँ। तो एक्सरसाइज वगैरह होने के बाद फिर मैं अपने आ गई हूँ क्लीनिंग में, और ये मुझे कपड़े वगैरह क्लीन करने थे, और एक ना अनाज वगैरह धुल रहा है ना, वो निकल रहेगा तो टंकी वगैरह में भरी जाएगी, तो मैं वो भी साफ़ करूँगी। और ये टंकी है मैंने साफ़ करके रख दी, इसमें सुसरी वगैरह हो जाती हैं। तो बताना आप लोग जिनके यहाँ अनाज वगैरह रखा जाता है, क्या क्या दवाइयाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं, जो अनाज बिल्कुल सेफ़ रखा रहे पूरे एक साल तक, क्योंकि पूरे एक साल का हमारा कहते हैं ना अनाज होता है जो
हमें यूज़ करना होता है। तो हम गांव में हैं तो हम तो मतलब देखो भाई ऐसे ही करते हैं, हम मोल वगैरह का नहीं लेते, हमारा तो अपना होता है। पर यह है कि हम टंकी भर के रख देते हैं और उसको सुखा दिया है साइड में। और फिर मैं आ गई थी लंच रेडी करने के लिए, तो आज बनी है कटहल, सुबह बनी थी भिंडी बच्चों के लिए, तो थोड़ी सी भिंडी भी थी कटहल थी, लेकिन मैं भिंडी नहीं खाती, मैंने आपको बताया। बस ये दो रोटी सिंपल सी ले लूँगी, मट्ठा ले लूँगी और हल्का सा, बस यही मेरा लंच है और इसी से ही मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत हाई लेवल का मैं खाना दिखाऊं या ये चीज़ें, नहीं, जो मैं खाती हूँ वही मेरे लिए सही होता है और इसी से ही मेरी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो मैं इससे ज़्यादा और मतलब क्या लूँ, मैं बीच बीच में अपना जो भी मैं खाती रहती हूँ, आंवला मैंने आप लोगों को बोला बहुत कम लेती हूँ, तो उससे मुझे एलर्जी सी हो जाती थोड़ी सी। पर यह है कि और चीज़ें हैं, एलोवेरा है और ग्रीन टी है, ये भी मैं पर जब तबीयत ख़राब होती है चीज़ें मेरी स्किप हो जाती हैं, पर अब मैं फिर लेना शुरू कर दूँगी क्योंकि अब मेरी जर्नी शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स ये 32 बार का जो फॉर्मूला है ये बहुत ही कारगर है खाने के लिए, तो बहुत है क्योंकि ये एक पंथ दो काम करता है, क्योंकि एक तो हमारा डाइजेस्ट बिल्कुल सही रहता है, जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही होगा तो हम अपने आप ही सही रहेंगे, फिट रहेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ तभी हमें हानि देती है, हमारा फैट तभी बढ़ता है जब हमारा बॉडी के अंदर जो खाना जा रहा है वो सही लेवल से सही तरीके से नहीं जा रहा है। ज़्यादा जंक फूड मत खाइए, ज़्यादा ऑयली मत खाइए, मसाले वाला मत खाइए। तो शाम को भी खाने के बाद देखिए मैं थोड़ा सा टहलती हूँ और बेटू ने क्लिप बना लेता, मेरी कुर्ती ना आगे से गीली हो गई थी क्योंकि मैं बर्तन वगैरह मांज करके साफ, किचन पूरी साफ करके मैं बाहर आई थी, तो ज़्यादा बाहर नहीं जा रही थी मैं आज टहलने के लिए, और बस थोड़ा सा बाहर का तो मैंने दिखाई दिया था आप लोगों को, तो यही मैं टहलना शुरू कर देती हूँ बस, और यही मेरा टहलना चलता रहता है। और 15-20 मिनट टहलने के बाद, 15-20 मिनट क्या मैं मतलब चलती हूँ कम से कम आधा घंटा, और काफ़ी मेरी कैलोरी बर्न हो जाती हैं इसी में ही। मैं फ़ोन लेके भी चलती हूँ, पर आज मैं भी मेरा फ़ोन नहीं है, मैं दिखाऊंगी कभी मैं कितनी चलती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरी 32 बार की जो जर्नी है इसी तरह से चलती रहेगी और आप लोगों के साथ मैं ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।